कोई काम नहीं है लोगों के पास, खाली बैठे हैं दिन भर। अब जिसके पास काम है कहीं कोई मिल जा रहा है गारा मट्टी का काम तो वो लोग कर रहे हैं, नहीं तो बाकी लोग बैठे हैं यहाँ पे। कोविड के बाद दो उस साल भी आया, इस साल भी आया, समझ लीजिए उस साल से खराब इस साल है, उस साल से भुखमरी इस साल है, दूसरे में बहुत ज़्यादा। उसके बाद तो हम लोग को बहुत दिक्कत है कि हम लोग कारोबार एकदम है नहीं, मशीन चलाते हैं तो वो भी एकदम बंद हो गया। हम लोग मजूरा काम करते हैं, लेबरई करते हैं, लेबरई हम लोग को भी नहीं मिल रहा है, एक दिन दो दिन मिल रहा है वो भी ख़त्म हो गया है। हम लोग के एकदम हाथ पर हाथ लेके बैठे हुए हैं एकदम। पूछा कि बिनका के लिए कोई योजना है तो वो साफ कह दिया कि बिनका के लिए कोई योजना नहीं है, क्योंकि हम लोग उस वक्त दो महीना बरसात के पानी में डूबे थे। पावर हाउस से बहुत दिक्कत था, पैसा लेकर लोग जाते रहे, बोलता रहा पूरा यूनिट के हिसाब से पैसा लेंगे, फिर वापस आते रहे, फिर आकर यहाँ आओ तो यहाँ लाइट कट, फिर उसके बाद दौड़ो दो दिन, उसके बाद जाने पे तो आधा पैसा लेकर चालू करता रहा। ये गलत है, ये सरकार ने हम लोग को दिया था सब्सिडी और सरकार ही हम लोग को परेशान कर रहा है, तो सरकार से ये चाहेंगे कि ये सब्सिडी जो पहले लगा हुआ था वो अब भी लगा रहे उसी तरह, तब आदमी कारोबार करेगा तो दो पैसा का काम करेगा, नहीं तो अभी लॉकडाउन के हिसाब से तो नहीं कर पाएगा। माल लेंगे जो बिकेगा उसी का पैसा मिलेगा, जो नहीं बिकेगा वो वापस हो जाएगा। अब चार महीने बाद अगर बाहर से माल वापस आ गया तो वो भी हमें वापस लेना पड़ेगा, दोगुना दाम में हो चुका है, कहाँ से आदमी जो है कि उसको ख़रीद पाएगा। पहले हम लोग जो है कि 5,000 रुपया में महीने भर, 5-6,000 रुपया में महीने भर का राशन हो जाता, अब वही जो है कि 10-12,000 रुपया दोना पैसा लग रहा है। अगर सरकार हमारी मदद करेगी तो जो है कि साल दो साल में हम लोग कर सकते हैं, अगर नहीं कर पाएगी तो जो है कि पता नहीं क्या कितना टाइम लगेगा, 5 साल 10 साल क्या लग जाएगा मालूम नहीं। आने वाले जो है कि हम लोग के जो बच्चे हैं लड़के हैं वो लोग दिख ही नहीं पाएंगे, ख़त्म हो जाएगा ये जो हम लोग का बुनकर का जो काम है, ये हम लोग ख़त्म हो जाएगा एकदम यहाँ से बनारस से। जो बनारस किसान है कि ये बनारसी साड़ी बनती है ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर।